नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है, सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार हमें सवाल नहीं उठाने देती है, सरकार संसद में बहस नहीं चाहती है। यह कहना है राहुल गांधी का, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तमाम बातें कही गई राहुल गांधी की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार ये जो निलंबित सांसद हैं उनकी तरफ से ये मांगे रखी जा रही है कि उन्हें वापस, जो निलंबन है उसे वापस लिया जाए, और उसी को लेकर प्रदर्शन कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियां। और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही, कहा संसद भवन में सवाल नहीं उठाने दिया जाता। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती, तो ये सही तरीका। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी ने इस्तीफा दिया है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से पहले रिजवी का इस्तीफा। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले हिंदू धर्म अपनाया था और हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आपको बता दें बोर्ड एक्ट के मुताबिक शिया ही हो सकता है सदस्य। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से पहले ही रिजवी ने इस्तीफा दे दिया है। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही हिंदू धर्म अपनाया था और नाम भी रखा था जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आज मैंने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्वाचित सदस्य पद से और जो भी जिम्मेदारियां पूर्व में हमको दी गई थी वक्फ से संबंधित उन सभी पदों से अपना त्याग पत्र वक्फ बोर्ड की बैठक में जाकर बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया है। आज मैंने और इस बीच बड़ी खबर लखीमपुर केस में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना है। आशीष मिश्रा पर जांच के बाद धाराएं बदल दी गई हैं। आरोपियों पर प्लानिंग के साथ तक कुचलने का आरोप है। हत्या और हत्या की कोशिश की धाराएं अब जोड़ दी गई हैं लखीमपुर खीरी मामले में। तो आपको बता दें आशीष मिश्रा पर जांच के बाद अब धाराएं बदल दी गई हैं। हत्या और हत्या की कोशिश की धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों पर प्लानिंग के साथ कुचलने का आरोप लग रहा है। हत्या और हत्या की कोशिश की धाराएं जोड़ी गई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल अब 6 मामले हो गए हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए भी कहा जा रहा है। लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब 4 और नए मामले सामने आ गए हैं। कुल ओमिक्रॉन के दिल्ली में 6 मामले हो गए हैं बढ़कर। दिल्ली में अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स एलएनजी पे भेजे गए, टोटल 74 लोगों को भेजा गया, 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। ओमिक्रॉन जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 6 लोग अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 1 ठीक हो चुके हैं जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी चुके हैं। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर। मुजफ्फरनगर से खबर, पति के हत्या आरोपी महिला और प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जमीन के लालच में हत्या की गई थी। यासीन की गोली मारकर पति को उतारा था मौत के घाट। दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मंसूरपुर कोतवाली के संधावली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जमीन के लालच में यह हत्या की गई थी। गोली मारकर महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था। जो दोनों हत्या के आरोपी हैं उन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
कानपुर से खबर, बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घाटमपुर में भट्टा कारोबारी की स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। आग लगने से स्कूटी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल घाटमपुर कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे खबर फरुखाबाद से, सरकारी स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। कड़ाके की ठंड में भी बच्चों को जूते नहीं बांटे गए हैं। स्कूल टीचर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। स्कूल टीचर ने बच्चों के आधा दर्जन के करीब गड्ढे में जूते फेंके हैं। नौनिहाल चप्पल पहनकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। माध्यमिक विद्यालय वेवर रोड भोलेपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो बच्चे नंगे पैर स्कूल आते हैं लेकिन बच्चों को जूते नहीं दिए गए हैं और यही जूते अब गड्ढे में फेंके गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से नौनिहालों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और जिनके पास, बच्चों के पास जूते नहीं है, वो नंगे पैर स्कूल पहुंचते हैं। बागपत से खबर, सगी बहनों पर एसिड अटैक से हड़कंप मच गया है। गंभीर हालत में दोनों बहनें अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। प्रेम प्रसंग के चलते एसिड अटैक की आशंका जताई जा रही है। बालैनी थाना क्षेत्र के रोशनगढ़ गांव की यह घटना बताई जा रही है। ये दोनों सगी बहनें थीं जिन पर एसिड से अटैक किया गया है और इस घटना के बाद लोग डरे हुए हैं, हड़कंप मच गया है। गंभीर हालत है दोनों बहनों की। दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही ये एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि अभी साफ पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों बहनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसिड पर बैन है, उसके बावजूद एसिड आया कहां से, क्योंकि एसिड बेचा नहीं जा सकता। इस पर बैन लगने के बाद दुकानदार के पास अवेलेबल कैसे हो सकता है एसिड, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बैन होने के बावजूद एसिड कहां से हमला करने वालों ने उपलब्ध कराया होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो दो सगी बहनों पर एसिड अटैक से हड़कंप मच गया है बागपत में। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास शर्मा संवाददाता बागपत से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, किन लोगों ने हमला किया एसिड से, ये पता चला है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो बागपत जनपद के बालानी थाना क्षेत्र रोशनगढ़ का मामला है, दो सगी बहनों पर तेजाब डालने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ये जो लड़कियां वहीं अपने गांव में किसी एक युवक के यहाँ पे ट्यूशन जाया करती थी, लेकिन वो उन पर गंदी नजर रखता था, कहीं एक साल से उन्हें परेशान कर रहा था। बढ़ते आगे, सीएम के साथ पीएम की बैठक खत्म हो गई है, चार घंटे से ज्यादा चली है मीटिंग। गेस्ट हाउस से निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में 12 राज्यों के सीएम मौजूद रहे थे, तो बैठक काफी देर तक चली। सीएम के साथ पीएम की यह बैठक खत्म हो गई है, चार घंटे ज्यादा तक ये मीटिंग चली है। गेस्ट हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं, बैठक में 12 राज्यों के सीएम मौजूद थे, तो बैठक में 12 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। बैठक में काफी देर तक चर्चाएं होती रही। आपको बता दें सीएम के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो गई है, 12 राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक हो रही थी और गुड गवर्नेंस पर बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बैठक में जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। गेस्ट हाउस में यह बैठक चल रही थी, बेरका गेस्ट हाउस में बैठक चल रही थी। आपको बता दें बैठक में 12 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। गुड गवर्नेंस पर चर्चा हो रही थी कि किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं और विकास के काम पर चर्चा हो रही थी कि सरकार और कितना अच्छा विकास के काम करे, तो ये तमाम बातें हो रही थी। आपको बता दें कि 12 राज्यों के ये सीएम थे इस बैठक में, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस पर चर्चा की जा रही थी। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए। एसके, बैठक खत्म हो गई, काफी लंबी बैठक चली है, बैठक में क्या कुछ हुआ, कुछ पता चल पाया है?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली, जिसमें सभी उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे जो भाजपा शासित हैं, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुड गवर्नेंस को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, उनका फीडबैक भी लिया। साथ ही साथ इस चर्चा के दौरान 3 सारी चीजों के केंद्र में वो योजनाएं थी जो केंद्र सरकार चला रही है और उनका इंप्लीमेंटेशन स्थानीय स्तर पर कैसे किया जा रहा है, साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार अपनी विभिन्न योजनाएं चला रही है उनका फीडबैक अब तक का क्या है और दूसरे प्रदेशों में उन योजनाओं की स्थिति क्या है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता जिसमें प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के सभी अलग अलग मुख्यमंत्रियों से उसका फीडबैक लिया, साथ ही साथ जो अपने साथ वो डेटा लेकर आए थे कहीं ना कहीं उस पर एक लंबी चर्चा हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और साथ ही साथ जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनको प्रदेश स्तर पर लागू करना है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, सतत ग्राम विकास योजना हो या उसके अलावा उज्ज्वला योजना हो, ऐसी योजनाओं का अब तक कितने लोगों को लाभ उनके प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्रियों के माध्यम से दिलाया गया है, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने फीडबैक लिया, और खास तौर पर वो प्रदेश जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं उस पर अब तक स्थिति क्या है, साथ ही साथ संगठन के साथ सरकार के सामंजस्य को लेकर क्या चीजें चल रही है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, रोजगार और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, इन बहुत सारे विषयों पर प्रधानमंत्री ने एक लंबी चर्चा करी जो 5 घंटे से ज्यादा चली मुख्यमंत्रियों के साथ की है। अब चूंकि ये बैठक खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं जो कि उमराहा गांव में है, अब से थोड़ी देर बाद अपने हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहां पर पहुंचेंगे और जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा के साथ स्वर वेद मंदिर जाएंगे जहां पर वो 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो वहां पर संत हैं, जो महात्मा हैं, जो उस सुर महा मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी संवाद करेंगे। तो निश्चित है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज दूसरे दिन का जो अंतिम कार्यक्रम है वहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर इस जनसभा के बाद इस वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, चित्रकूट में तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य की अध्यक्षता और उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास के संयोजन में होने वाले महाकुंभ के मन से चाहे पथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हो की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा, त्रिदिवसीय हनुमंत महायज्ञ और रुद्राभिषेक महायज्ञ से हुआ। कलश यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन के लिए 20 एकड़ क्षेत्र में महाकुंभ का पंडाल सजकर तैयार किया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव तक की यात्रा में अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की है। आगरा में नाले के निर्माण की मांग को लेकर गांव वालों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। गांव वालों ने लेट लेट कर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सांसद और विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वाले पिछले 62 दिनों से धनौली में धरना दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ये कहना है गांव वालों का। हमारे सिरौली रोड के दोनों तरफ नाले हो और रोड हो, क्या आश्वासन आया तो क्या? अभी हमारा कोई किसी से बात नहीं हुई है। आश्वासन हमें 17 तारीख को हम डीएम साहब ने बुलाए थे, जिलाधिकारी महोदय ने, और एक जिम्मेदार पद पे हैं वो जिले को संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में टेंडर हो जाएगा और 20 दिन में काम लग जाएगा। ये 17 अक्टूबर की बात है भैया। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली, जिसमें 20 वर्षों से जलभराव की समस्या है और यहाँ कम से कम 17 बार डीएम साहब को हम लोगों ने आवेदन दे चुके हैं बनाने के लिए। हम लोगों ने वहाँ 63 दिनों से धरना चल रहा है हमारा, और धरने में तहसीलदार साहब 3-4 बार आए हैं और 3-4 बार लिखित आश्वासन दिया है, वो भी झूठा आश्वासन दिया है, अभी तक वहाँ कोई कार्य। बाराबंकी में पुलिस पर लगा युवक को पीटने का आरोप। युवक को पुलिस वालों ने थाने में बेरहमी से पीटा। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। पीट पीट कर चोरी का इल्जाम कबूलवाने का आरोप लग रहा है। युवक को पुलिस वालों ने थाने में बेरहमी से पीटा है। में उसको उठाए घर से, किसको? हमारे देवर को भी। क्या किया? पुलिस वाले 7 बजे लेके गए हैं घर से, फिर वहाँ पे धमकी दिए, कहीं चौराहे पे चलो, साहब ने बुलाया है, फिर चौराहे ले गए, फिर गाड़ी में बैठा लेकिन फिर थाने लेके गए। थाने में यहाँ कुछ लोग गए तो छोड़ी नहीं, कहीं कल छोड़ेंगे, वहाँ रात में पिटाई कसके कर दी।
एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे चोरी के इल्ज़ाम में लगा करके और पुलिस पकड़ के ले गई, दो दिन तक अपने पास रखा, मारा पीटा, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया, उसके चोट के निशान दिखा रहे हैं, कान से खून आ गया है, और इतनी मतलब झूठा फंसाना, जिसके घर चोरी हुई है वो स्वयं कह रहा है कि हम जो हैं इसका समर्थन नहीं करते हैं कि ये। खबर बिजनौर से, पुजारी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स ने डंडे से वार कर हत्या की थी पुजारी की, बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुजारी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस आरोपी ने डंडे से वार कर पुजारी की हत्या की थी। बुलंदशहर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेताजी यूनुस पर हमले का मामला है, इस मामले में पुलिस ने 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। 4 शूटर्स को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इस हमले में शामिल स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली गई है। 7 हथियार बंद हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। 4 शूटर्स को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। और झांसी से हम खबर भेजे कि पीके पदाधिकारियों के साथ पुलिस का अभद्रता का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है और जमकर हंगामा भी किया है। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता शांत हो गए। बात को लेकर हमारा मंडल अध्यक्ष उनके बीच में गया था किसी बात को लेके, और हमारे मंडल अध्यक्ष को ये लोग अपराधी की तरह पकड़ के लाए हैं। क्या यही हमारे महाराज जी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता का इस प्रकार से शोषण हो? हमारे महाराज जी साफ नियत से काम कर रहे हैं और प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को नाजायज परेशान कर रहा है। तो अपना जो है यहाँ लोकल कार्यकर्ता थे भारतीय युवा मोर्चा के, उनकी कुछ बातों को लेकर यहाँ इकट्ठी थी। मौके पर हम पहुंचकर इन दोनों लोगों से वार्ता किया और वार्ता के दौरान दोनों लोगों को आपसी सामंजस्य बैठाकर जो भी है इसका निष्कर्ष निकाल कर इसको हल कर दिया गया। कोई ऐसी समस्या भी नहीं है, अगर कोई ऐसी बात आती तो। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में दूल्हा और दुल्हन का फायरिंग करता हुआ वीडियो एक वायरल हुआ है। मैरिज हॉल में दोनों हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से खबर, दबंगों ने शख्स की बेरहमी से पिटाई की है, लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की है। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। लात घूसे और डंडे बरसाए गए इस शख्स पर, अस्पताल में भर्ती कराया गया ये शख्स। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से, यूपीएसटीएफ ने 3 तस्करों को धर दबोचा है। मौके से 50 लाख की कीमत की चरस बरामद की गई है। हनीफ, रामकुमार और बबलू शाहजहांपुर से अरेस्ट किए गए हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में सप्लाई करते थे चरस। वेस्ट यूपी के कई जिलों में सक्रिय था ये गिरोह। बस्ती से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। इस घायल बदमाश का नाम है सूरज। कहा जा रहा है कि सूरज ने प्रेमिका के पति की हत्या की थी और हत्या में शामिल सूरज का दोस्त विकास भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से असलहे कारतूस बरामद किए हैं। मृतक का मोबाइल फोन आरोपी के पास से बरामद हुआ है। लालगंज थाना क्षेत्र के लिंक मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर खाद चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाद के बढ़ती किल्लत के चलते पुलिस प्रतापगढ़ के 7 और प्रयागराज के एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 53 बोरी खाद और 3 तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कुड़वार पुलिस ने थाना क्षेत्र के देवलपुर से चोरों को पकड़ा है। इनके पास से 53 बोरी डीएपी खाद, 1 लोहा रॉड, पेचकस, चाबी का गुच्छा और तमंचा बरामद किया गया है।
यूपी टीटी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। सरकारी टीचर है मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी। तीन बड़े आरोपियों को एसटीएफ पहले ही जेल भेज चुकी है। एक आरोपी अजय अभी भी फरार चल रहा है। तो यूपी टीटी पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी है उसने सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी बताया जा रहा है जो सरकारी टीचर है। एक आरोपी अजय अभी भी फरार चल रहा है। एसटीएफ पहले ही जेल भेज चुकी है आरोपियों को। तीन बड़े आरोपी हैं जो पहले ही जेल जा चुके हैं। एसटीएफ ने इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। एक आरोपी अजय अभी भी फरार चल रहा है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल सरकार को 17 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 साल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई और संस्कृति की और समृद्धि की दिशा में नई पहल कर राज्य सरकार ने एक नया छत्तीसगढ़ मॉडल देश दुनिया के सामने रखा है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की नई अलख जगाई है। इस मौके पर रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। रन फॉर सीजी प्राइड को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, जिसमें 14 से 7 साल तक के लोग शामिल हुए। जो हमने छत्तीसगढ़ नवा गढ़ने का जो संकल्प लिया था, उसे आज हम सब मिलकर सच कर रहे हैं और उसी की दौड़, उसी नवा छत्तीसगढ़ की दौड़ है। सिर्फ 3 साल में ही हमने पुरखों के सपनों को सच किए हैं। आज छत्तीसगढ़िया पूरे देश में सम्मान और पूरे गर्व से और सम्मान के साथ तन कर खड़ा हुआ है। थोड़े समय में ही छत्तीसगढ़ में जंगलों से लेकर गांव और शहरों तक जो बदलाव हुआ है, आज उसकी चर्चा पूरे देश में है। विकास के छत्तीसगढ़ के मॉडल ने गुजरात 15 दिसंबर को दून विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। इस बार होने वाला दीक्षांत समारोह नारी सशक्तिकरण को समर्पित होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। समारोह में कुल 2102 विद्यार्थी को उपाधि दी जाएगी, जिनमें से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 93 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 29 शोधकर्ताओं को पीएचडी की उपाधि से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 1269 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि के साथ 2 विद्यार्थियों को एमफिल की उपाधि भी दी जाएगी। बल्कि डिपार्टमेंट समझ लीजिए कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज हमारे पास नहीं था। इस वर्ष से 40 बच्चों के साथ एमएससी इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल साइंस में हमारा कोर्स शुरू हो गया है। इसके अलावा हमने उत्तराखंड लैंग्वेजेस का एक केंद्र खोला है, जिसके साथ हमने फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर को समाहित किया है। ये उत्तराखंड के तमाम ट्रेडिशंस को, लोक कलाओं को संरक्षित और संवर्धन करने में मदद करेगा। इसमें हमने एमए थिएटर खोला है, जिसमें 20 सीटें दी हैं और इसी वर्ष 15 बच्चों ने इसमें एडमिशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।